जय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सफर भाई प्रेम कुमार और आप देख रहे हो आपका ही YouTube चैनल तैयारी जीती। दोस्तों ऐसे तो हम लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, पर हमारी गलती की शुरुआत होती है वो मॉर्निंग से होती है, यानी सुबह से होती है। सुबह में क्या दोस्तों, हमारी जो नाश्ता होती है, जो नाश्ता हम करते हैं वहां से हमारी गलती करते हैं, ठीक है। बहुत से क्या करते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे नाश्ता क्या करते हैं, चाय, बिस्किट, चाय, दाल चावल, रोटी सब्जी, ये चीज जो अपने नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये चीज लेना सही होता है हमारी बॉडी के लिए या नहीं होता है? दोस्तों बता दूं, आपका जो सुबह का नाश्ता होता है उसके अंदर के आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए, ये सब जो होता है काफी हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है, ठीक है। और कहते आपने सुना ही होगा कि सुबह का जो नाश्ता होता है वो काफी जरूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, जो कि हमारे दिन भर के काम को करने के लिए हमें एक्टिव रखता है, हमारे बॉडी में एनर्जी फील करवाता है। तो आपको क्या होता है, इस तरीके का जो नाश्ता वो करना चाहिए मॉर्निंग के टाइम पे। पर क्या होता है दोस्तों, हम उस तरह का नाश्ता नहीं करते हैं और क्या होता है, हमारा बॉडी कमजोर हो जाता है, हम दुबले पतले होते हैं, हमारा वेट कम होता है और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हमारे फेस करने को मिलता है, जैसे कि हमकी हाइट ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। इन सभी कारणों की वजह से जो हमारा बॉडी काफी वीक हो जाता है, आप कमजोर फील करते हो, दिन भर काम नहीं कर पाते। तो मॉर्निंग के टाइम पे दोस्तों को क्या नाश्ता करना चाहिए, जो कि हल्का भी हो, जिसके अंदर प्रोटीन भी हो, कैल्शियम भी हो, आयरन भी हो, कार्ब्स भी हो, काफी मात्रा को एनर्जी जो है दिन भर के लिए मिल जाए। तो दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कुकर ओट्स के बारे में। आपने कभी ना कभी देखा ही होगा या फिर आपने बहुत से लोग जो है उसका इस्तेमाल करते भी हैं। तो दोस्तों अगर आप कुकर ओट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, अगर आप सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो काफी बेनिफिट होता है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि कौन कौन है जो इसे ले सकते हैं, कौन कौन इसे नहीं ले सकते हैं, सारी जानकारी आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं बता दूं दोस्तों, ये 1 kg का जो है आपको कुकर ओट्स है, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों मैं बता दूं आपको काफी मात्रा में एनर्जी मिल जाता है, जैसे कि आपको देख सकते हैं 163 ग्राम जो है आपको एनर्जी मिल जाता है, जो आपके बॉडी के लिए काफी जरूरी होता है। प्रोटीन जो आता है आपके बॉडी में काफी अच्छी मात्रा में प्रोवाइड करता है, यानी 4.7 ग्राम जो आपको प्रोटीन सर्वाइव करता है, ठीक है। और हम बात करें कि आयरन की मात्रा जो दोस्तों इसमें काफी अच्छी प्रकार से होती है, जैसे कि आपकी हड्डियां जो होती है काफी कमजोर जाती है, ठीक है। तो आपकी हड्डियों को मजबूत आने के लिए काफी मदद करता है। और मैं बात करूँ जो इसका दोस्तों, इसके अंदर सोडियम जो होता है काफी अच्छी मात्रा में होता है, इसके अंदर जिंक जो होता है काफी अच्छी मात्रा में आपको पाया जाता है, जो कि आपके बॉडी के लिए, आपके पूरी बॉडी के लिए काफी ये फिट चीज जो माना जाता है। दोस्तों आपका सवाल होगा कि कैप्टन भाई आप ओट्स का इस्तेमाल करते हो, तो हाँ दोस्तों मैं डेली लाइफ में ओट्स लेता हूँ, ये हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है, जिसमें हमको बताया। और दोस्तों बता दूं कि अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको ओट्स लेना काफी जरूरी है, अगर आप ओट्स लेते हैं मॉर्निंग के नाश्ते में तो आपके बॉडी में काफी मात्रा में एनर्जी मिल जाता है। और दोस्तों बता दूं, अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं, जितने लोग जिम में वर्कआउट करते हैं वो काफी मात्रा में जो है ओट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ओट्स के अंदर जो होता है कार्ब्स काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा बॉडी ग्रोथ जो है काफी अच्छा होता है, हमारे मसल्स के लिए जो होता है ये काफी फायदेमंद होता है। तो अगर आप रनिंग करते हैं या फिर जिम में वर्कआउट करते हैं तो आपको डेली लाइफ में इसे लेना चाहिए। आप सोच रहे हो कि आप इसे कौन कौन ले सकता है, दोस्तों बता दो कि इसे बच्चे, बूढ़े, जो भी लोग, किसी एज के भी जो लोग होते हैं इसे आराम से ले सकते हैं। इसको बनाना भी काफी सिंपल होता है, अगर सिंपली आप क्या करना है, आपको दूध के साथ आपको इसे लेना है, ठीक है। दूध गर्म कर देना है, गर्म करने के बाद इसको डाल देना है जितना आप खा सकते हो, और चाहे तो आप ऊपर से इसमें शुगर का इस्तेमाल कर सकते हो या चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। दोस्तों अब बताते हैं कि इसे खाने से आपको क्या क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले जो आपको दोस्तों फायदा करना होता है वो क्या है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये काफी मेंटेन करता है, यानी कि जो आपको हार्ट डिजीज होती है, ठीक है, यानी कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल काफी मदद करता है, जिससे क्या होता है कि कभी भी लाइफ में या आगे चलिए जो होता है कि आपके हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी चीज जो दोस्तों आपको बेनिफिट करता है वो क्या है कि इसके अंदर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, यानी कि ब्लड प्रेशर इसका हाई होता है, उसको कंट्रोल करने में ये काफी मदद करता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि फाइबर जो होता है काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जैसे कि आप दाल चावल सब्जी खा के जिससे आपको फाइबर मिलता है, उसी तरह जैसे अगर आप योगर्ट को खाते हैं तो इसमें क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ फाइबर आपको मिल जाता है। अगर जो फायदा होता है उसका क्या, इसके अंदर प्रोटीन का जो लेवल होता है काफी हाई होता है, जैसे कि प्रोटीन अगर आप हाई लेवल का आपको मॉर्निंग में नाश्ते में मिल जाता है तो क्या होता है दिन भर जो आप एक्टिव फील करते हो, आपका बॉडी जो होता है वीक होता है वो वीक नहीं होगा, आप जो भी काम करना चाहते हो तो आराम से आप काम को है एकदम मस्ती तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों अगर ये फायदा के अंदर होता है कि अगर आपको पेट का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि बहुत लोग होता है कि डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगर आपको होता है तो उसको यह कंट्रोल करने में काफी मदद करता है, यानी कि अगर आपका पेट का प्रॉब्लम है तो वो जो भी है क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब इसके अंदर एक सवाल आता है कि भाई इसे लेना कहाँ पे, तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपके नजदीकी मार्केट में ये आपको आराम से मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे
परचेस कर सकते हैं। दोस्तों बता दो कि ये दो तीन वैरायटीज में आपको मिलता है, जैसे कि ये क्या है कि दूध में डालकर खा सकते हैं इसको, ठीक है। एक होता है मपाला ओट्स, जो मपाला इसके अंदर होता है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप ये वाला ओट्स लेते हो तो काफी बेनिफिट जो करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों एक छोटा सा वीडियो को काफी पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों बता दो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाओ वहां पर मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। और उस पर आपको फायदा यही होगा दोस्तों कि आप मुझे प्रॉपरली बात कर सकते हो, प्रॉपरली आपको कुछ भी सवाल होगा तो आप मुझे कर सकते हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ। चलिए दोस्तों वीडियो को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।